हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनम बत्रा। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम इनके आईब्रो थ्रेडिंग करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, इनके आईब्रो की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो इन्होंने आईब्रो ज़्यादा पतली नहीं करवानी, मोटी ही रखवानी है। तो हम उस हिसाब से करेंगे कि इनकी आईब्रो की शेप मोटी ही बने। तो हमने सबसे पहले इनके आईब्रो पे पाउडर लगाया था। पाउडर लगाने के बाद में जो इनके आईब्रो की शेप से बाहर बाल निकल रहे थे उनकी कटिंग करिए, और फिर अब हम थ्रेडिंग करना शुरू करेंगे। थ्रेडिंग हम सबसे पहले ऊपर से करेंगे, आईब्रो की शेप ऊपर से बनाएंगे। और फिर जब ऊपर से हमारी आईब्रो की शेप बन जाएगी तो हम नीचे से बनानी शुरू करेंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हो, हमने इनकी आईब्रो की ऊपर से शेप बना ली है। तो अब हम नीचे से इनकी आईब्रो को शेप दे रहे हैं और बिल्कुल थोड़े थोड़े बाल निकाल रहे हैं ताकि इन्हें ज़्यादा दर्द ना हो और हमारा धागा भी ना टूटे, क्योंकि हम ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं तो हमारा धागा भी टूट जाता है और इन्हें दर्द भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम बिल्कुल आराम से कर रहे हैं, और छोटे बड़े जो भी इनकी आईब्रो की शेप से बाहर बाल हैं वो सारे निकाल रहे हैं हम। अब इनकी आईब्रो की शेप बिल्कुल बन गई है, तो हम इनका फोरहेड भी करेंगे। और फोरहेड करते हुए भी हमें इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि इनकी फोरहेड की जो स्किन है बिल्कुल टाइट होनी चाहिए, जैसे कि हम आईब्रो की स्किन टाइट रखते हैं ताकि कहीं से कट ना लगे। तो ठीक उसी तरह हम फोरहेड की स्किन भी अपने हाथ से पकड़ करके टाइट रखेंगे और फिर हम थ्रेडिंग करेंगे ताकि कहीं से भी इनको बिल्कुल कट ना लगे। और ये जो आईब्रो के बीच वाले बाल हैं, ये हम कस्टमर से पूछ लेते हैं कि आप निकलवाओगे या फिर नहीं निकलवाओगे। दोनों आईब्रो के बीच में गैप करना है कि नहीं करना, कस्टमर कहते हैं तो हम गैप करते हैं, नहीं करवाना होता। अगर वो मना करते हैं कि नहीं हम गैप नहीं करवाएंगे तो हम नहीं करते, क्योंकि हम पहले ही कस्टमर से शेप पूछ लेते हैं कि आपने कौन सी शेप में करवानी है, और आईब्रो के बीच वाला जो गैप है वो आपने करवाना है कि नहीं करवाना। अगर तो कस्टमर कहते हैं तो हम गैप करते हैं, नहीं कहते तो नहीं करते, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो आईब्रो के बीच का गैप नहीं करवाते, और अधिकतर लोग ये आईब्रो के बीच वाला गैप करवाते ही हैं। तो इसलिए हम पूछ कर ही कस्टमर से करते हैं। तो अब हमारी एक आईब्रो की शेप बन गई है, तो अब हम दूसरी आईब्रो की शेप बनाएंगे। और इसको भी पहले वाली आईब्रो की तरह ही हमने सबसे पहले पाउडर लगाया था, और फिर आईब्रो के जो ऊपर वाले बाल थे, एक्स्ट्रा बाल थे, उनकी हमने कटिंग करी है। और कटिंग करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो हमारी पहले वाली आईब्रो है उसके बराबर से ही कटिंग करनी है, नहीं तो क्या होता है कि कई बार
हमसे ज़्यादा कटिंग हो जाती है तो आईब्रो की शेप जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है, तो इसलिए हमें कटिंग करते हुए भी इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि आईब्रो ऊपर नीचे ना कटिंग हो जाए, दोनों आईब्रो की बराबर कटिंग करनी है और फिर उस हिसाब से हमें शेप देनी है। तो अब हमारी आईब्रो की ऊपर से शेप बन गई है, तो अब हम नीचे से शेप बनाएंगे। जब हम दूसरी आईब्रो की शेप बना रहे होते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि हमारी जो पहली आईब्रो है वो कितनी मोटी है और कौन सी शेप में बनी है। तो ठीक उसी तरह हम दूसरी आईब्रो की शेप बनाते हैं, तो इस बात का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि हमारी पहली आईब्रो की शेप क्या है। और अब हमारी दोनों आईब्रो की शेप बन गई है। फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी शेप बनी है, और जैसे कि इन्होंने कहा था कि हमें मोटी आईब्रो पसंद है तो मोटी शेप बनाना बिल्कुल इनकी पसंद की शेप बनी है। और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे।